हड़ताल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। अब इस देश में गांधी के मायने बदल चुके हैं। इमरजेंसी में इमोशन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना कि मुझे मेरे दफ्तर में सब मैडम नहीं सर कहते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आज से 7 दिन पहले रिलीज किया गया था इमरजेंसी मूवी का फर्स्ट लुक टीजर, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। लोग कंगना रनौत के स्वभाव और उनकी प्रीवियस रिलीज हो चुकी फ्लॉप मूवीज की वजह से निराश जरूर हैं, लेकिन उन्हें एक मौका भी देना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज इस मूवी से आउट हो चुका है अनुपम खेर का नया लुक, जो कि रोल प्ले करते नजर आएंगे ग्रेट पर्सनैलिटी जयप्रकाश नारायण का। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जयप्रकाश नारायण उस समय के अपोजिशन लीडर थे इंदिरा गांधी के, जिनका रोल प्ले कर रही है कंगना रनौत। अब दोस्तों यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, कंगना रनौत वर्सेस अनुपम खेर। इसकी एक्टिंग किस पर भारी पड़ेगी, ये तो हमें मूवी का ट्रेलर या फिर खुद मूवी ही बताएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इमरजेंसी मूवी की स्टोरी लिखी गई है कंगना रनौत के द्वारा, जिसको डायरेक्शन भी खुद कंगना रनौत ही देंगी। और वहीं इस मूवी को प्रोड्यूस किया जा रहा है रेनू पिट्टी और कंगना रनौत के द्वारा, जिसके डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले किया जाएगा रितेश शाह के द्वारा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मूवी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, जिसकी शूटिंग 14 जुलाई से शुरू हो चुकी है। और आज इस मूवी से आउट कर दिया गया है अनुपम खेर का फर्स्ट लुक, जो कि वास्तव में काफी ज्यादा बढ़िया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इमरजेंसी मूवी इजी माई ट्रिप और मणिकर्णिका फिल्म्स के बैनर के तले बनेगी। जो कब रिलीज होगी इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन खबरों की माने तो यह मूवी इस साल के एंड तक आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों कौन कौन इस मूवी को लेकर एक्साइटेड है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इस मूवी से जुड़े सभी अपडेट हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साइड में दिया बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।